कराची का मौसम अचानक तब्दील। रात और सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के बाइस मौसम सर्द हो गया। शहर कायद में मौसम की अंगड़ाई लेते ही शहरी मौसमी अमराज का शिकार होने लगे। अस्पतालों और क्लिनिक्स पर मरीजों का रश लग गया। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने वाली है, महकमा मौसमियात ने बड़ी पेशगोई कर दी। हक पाकिस्तान न्यूज में खुशामदीद। कराची में मौसम तब्दील होने लगा। रात और सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के बाइस मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई। मौसम सरमा की आमद का डंका बजते ही शहरियों को मौसमी अमराज ने लपेट में ले लिया। हजारों अफराद को बुखार, नजला, जुकाम और खांसी की शिकायत है, जिसके बाइस अस्पतालों और क्लिनिक्स पर मरीजों की तादाद दुगनी हो चुकी है। दूसरी जानी महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में कराची के दर्जा हरारत में मजीद कमी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में शहर के दर्जा हरारत में मजीद कमी होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज मौसम खुश्क रहेगा और ज्यादा से ज्यादा पारा 33 डिग्री तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शुमाल मशरकी सिमत से हवाओं का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। हक पाकिस्तान न्यूज़ में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान न्यूज़।